कि उन्होंने सच नहीं माना जा सकता, लेकिन वो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि चीजें अच्छी हैं या नहीं। बहुत से लोग अब दिन रात अपनी जॉब को कोसते रहते हैं या अपनी जॉब से बहुत परेशान हैं। ये लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के एक क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं। इस तरह के लोग अपना क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्वाड्रेंट चेंज करने के बजाय अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मतलब है ESBI, जिसमें ई का मतलब है एम्प्लॉय, एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, बी का मतलब है बिजनेस ओनर, आई का मतलब है इन्वेस्टर। हमारी इनकम जिस क्वाड्रेंट से भी आती है, हम उसी क्वाड्रेंट का हिस्सा होते हैं। हर एक क्वाड्रेंट की अपनी एक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, ई क्वाड्रेंट की कोर वैल्यू है सिक्योरिटी। आप इस क्वाड्रेंट के लोगों को हमेशा कहते हुए सुनोगे, मुझे सेफ और सिक्योर जॉब की जरूरत है, हमको ओवरटाइम का कितना पैसा मिलेगा, हमें पेड हॉलीडेज कितनी मिलेंगी। एस क्वाड्रेंट की कोर वैल्यू है इंडिपेंडेंस। इन लोगों को फ्रीडम चाहिए और वो करना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। इस क्वाड्रेंट के ज्यादातर लोग स्मॉल बिजनेस ओनर या कंसल्टेंट एक्सेट्रा होते हैं। एस क्वाड्रेंट के लोग अपनी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग काम करना बंद कर देते हैं तो इनकम बंद हो जाती है। बी क्वाड्रेंट के लोग ऐसे लोग ढूंढते हैं जो अपनी फील्ड में बेस्ट हों और उनकी टीम में काम कर सकते हैं। जब बात पैसों की आती है तो बी क्वाड्रेंट के लोग अगर अपना बिजनेस छोड़ भी दें तो भी वो कमाते रहते हैं। और लास्ट में आई क्वाड्रेंट के लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं। इन्वेस्टर को पसंद होता है कि वो पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो पैसे के लिए काम करे। इन चारों क्वाड्रेंट के लोग अलग अलग हैं और उनके माइंडसेट अलग अलग होते हैं और उनकी वैल्यूज भी अलग होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बी क्वाड्रेंट में आते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो बी क्वाड्रेंट का पार्ट बनना चाहते हैं। इनकम पोटेंशियल अनलिमिटेड होने के कारण इसको बी क्वाड्रेंट में रखा गया है, जबकि ई और एस क्वाड्रेंट में इनकम लिमिटेड है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो बी क्वाड्रेंट से आई क्वाड्रेंट में भी मूव किया जा सकता है। वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज करते हैं वो बहुत फायदे में रहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस उनके लाइक माइंडेड लोगों का सपोर्ट देता है और वो लोग जिनके सेम कोर वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज बी क्वाड्रेंट की होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को समझाना मुश्किल है, क्योंकि बी क्वाड्रेंट में बहुत कम लोग सक्सेस हुए हैं। ज्यादातर लोग अपने स्कूल और फैमिली वैल्यूज की वजह से ई या एस क्वाड्रेंट को ही चुनते हैं। 80% लोग ई और एस क्वाड्रेंट में और 15% आई क्वाड्रेंट में है, और मुश्किल से 5% लोग बी क्वाड्रेंट में है। बहुत सारे CEOs भी ई क्वाड्रेंट में आते हैं, ना कि बी क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जाम्पल, जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्मर CEO, एक बेहतरीन लीडर भी थे, वो स्टिल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के एम्प्लॉय थे, जबकि थॉमस एडिसन जो उस कंपनी के